नमस्कार। तो है ये मौसम के मिजाज में है गर्मी और चारों तरफ है चुनाव की सरगर्मी। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस हफ्ते मेरी स्वरचित कविता, क्या है गर्मी, क्यों है गर्मी, यही मेरी कविता का शीर्षक है। आप मेरी कविताओं को हमेशा बहुत पसंद करते रहे हैं और मुझे उत्साहित करते रहे हैं, तो मैंने सोचा इस हफ्ते क्यों ना आपको कुछ कविता के द्वारा ही बताया जाए। तो पेश है आपके लिए, ग्रीष्म ऋतु अब आई है, कड़क धूप भी लाई है, खुशियां और परेशानियां साथ साथ में आई है। उफ क्या गर्मी छाई है, चहू और यही शोर लाई है, सब हाल चाल छोड़ पूछ रहे गर्मी का क्या हाल है, और कुछ भी ना सूझत है, सिर्फ गर्मी प्रकरण चालत है। घर में क्या हो रहा है, बच्चे सोचे स्कूल की पढ़ाई से छुटकारा, सारा दिन धमाल मस्ती और भाईचारा, मम्मी सोचे काम काज से राहत, ना रही अब सुबह सुबह टिफिन की आफत, पापा सोचे सागर नहर ताल और झील, सोचे कहां चला जाए जहां ना हो सूरज की उष्णता, सुबह हो आमरस का नाश्ता और शाम में कुल्फी और आइसक्रीम की दावत। पर क्या आपने कभी सोचा है, क्यों है इतनी गर्मी, क्यों है ऐसी गर्मी, क्यों है इतनी भयावह गर्मी, क्यों है इतनी घुटन, क्यों है इतनी तड़पन, क्यों है इतना सूनापन? कारण है हम वृक्षों को जो काट रहे अपनी थोड़ी खुशी के लिए, अपने थोड़े आराम के लिए, वसुंधरा का आंचल चीर रहे, जिनको हम आज काट रहे वो हमें विनाश की ओर खींच रहे। मौसम में बदलाव, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज पर आज हो रहा वैश्विक चिंतन, पर यह है हमारे भविष्य का आईना, दर्शाता है जो कि हमारे बच्चों का असुरक्षित भविष्य। इतना निर्माण, इतनी सड़कें, इतने ओवरब्रिज, हाईवेज और ना जाने क्या क्या, माना ये सब है भारत की शान, पर क्या कभी सोचा है कितना है इसका अनुमानित नुकसान, क्यों हम कर रहे नैसर्गिक संसाधनों का अपमान। प्रदूषण से मचे हाहाकार को मिल रहा विकास का नाम, पर जो हमें दे रहे शीतलता और अन्न, सह रहे अविकसित होने का दंश। तो मैं कहूंगी आपसे, निकल चलो इस अंधी दौड़ से हरियाली शीतलता की ओर, नाना नानी दादा दादी के गांव, जहां हो शीतल पेड़ों की छांव, तरबूज खरबूज अमरूद संतरों का स्वाद, लस्सी छाछ शिकंजी और मठे की मस्ती। क्योंकि जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, यही समय है, सही समय है, जीवन का अनमोल समय है, एक एक वृक्ष लगाने का हो प्रण, एक एक बूंद बचाने का हो रण, तभी गर्मी की विभीषिका से होगी मुक्ति, ना होगी परीक्षित हमारी सहन शक्ति, हम उठाए इस प्यारी न्यारी गर्मी का लुत्फ। तो ये है गर्मी, पर मैं ये कहना चाहूंगी, चाहे कितनी भी गर्मी हो, वोट देने जरूर जाइए, गर्मी कुछ नहीं करेगी, आपको गर्मी लगेगी नहीं, क्योंकि ये है भारत का पर्व, ये है भारत में उत्सव, आपका एक वोट बेशकीमती है, जो कि आपको गुड गवर्नेंस चुनने में मदद करेगा। आप भी जाइए, अपने परिजनों को ले जाइए, सबको बोलिए, सबको फोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए कि वोट देना कितना जरूरी है, वोटिंग का दिन